दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो हमेशा रिकमेंडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे कि वॉशर फ्लूइड, दूसरे लोग जो हमेशा उसका जुगाड़ यूज करते हैं, सस्ता जुगाड़ जैसे कि शैम्पू। अब क्यों आपको शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, वॉशर फ्लूइड यूज करना चाहिए, वो देखेंगे आज इस वीडियो में। अब हमने रखे हैं चेक करने के लिए ये दो ग्लासेस, विस्की ग्लासेस हैं, लेकिन इसका यूज सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो एक में डालते हैं हम थोड़ा सा वॉशर फ्लूइड और दूसरे में डालेंगे हम थोड़ा सा शैम्पू। अब इसके बाद इसमें पानी डाल के आधा घंटा हो गया हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। अब देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर आप इसको देख पा रहे होंगे, कोई भी सेडिमेंटेशन इसके अंदर नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप शैम्पू वाले ग्लास की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर सेडिमेंटेशन हो गया है। अब नुकसान इससे क्या होता है कि जब ये शैम्पू आपके जो टैंक होता है, जो वॉशर फ्लूइड का टैंक होता है, उसके अंदर जम जाएगा और मोटर के अंदर जब ये थिक शैम्पू जाएगा उसकी वजह से आपकी मोटर खराब हो जाए। ये सेडिमेंटेड लिक्विड जब आपकी वाइपर नोजल से निकलेगा तो नोजल को ब्लॉक कर देगा, जो नोजल के छेद होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, बहुत आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं।